Assalamu alaikum, this is your host Khalid Naqi. Today I'm going to interview Mr. Kashif Riaz, who owns his very unique architectural brand, a company by the name of Kashif Riaz & Associates. And we are very happy and humbled also that he has accepted our invitation and is here to talk to us about the emerging challenges in the architectural world, keeping in view the global dynamics, the living conditions which are changing. So, Assalamu alaikum, Kashif Sahab. Wa alaikum salam. How are you, sir? How are you today? I'm fine. Kashif Sahab, aapse jo specific kuch cheeze samajhni hai ki jo emerging landscape hai, usme hum dekh rahe hain ki technology driven ho gayi hui hai. To architecture domain mein, is domain mein aap kya samajhte hain? What new technology is coming aur kya consumer ki expectations change ho gayi hain? Hui hain to kya mangta hai? And how can you satisfy that? Actually, ispe मॉडर्निज्म तो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो आ गया हुआ है पाकिस्तान में हम लोग, और लेकिन मोस्टली हम लोग उसको कॉपी कर रहे हैं फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड, और उससे दैट डजंट मैच आवर एनवायरनमेंट हियर इन पाकिस्तान और दिस रीजन. तो उसके लिए हमें अभी काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि जो लोकल इंडिजीनियस हमारे मटीरियल्स हैं, हम उनको यूज़ करें और उसको फिर आगे लेके चलें. तो मोस्टली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उन्हीं को कॉपी करते हैं, उसको करते हैं, लेकिन हमारे और वहाँ के टेम्परेचर्स का और एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है. दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम. एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड, और लोकलाइज करना, चाहे फॉरेन सॉल्यूशन भी आ रहा हो, उसको लोकलाइज करना बहुत ज़रूरी है. उसको लोकलाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में और वहाँ के एनवायरनमेंट में बहुत फ़र्क है. अच्छा, अभी जो ड्राइवर फ्री सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही हैं, और जिस तरह फोकस है इस वक्त एनवायरनमेंट पे, एनर्जी सेविंग्स पे, तो जब ये सब कुछ रियलाइज़ हो जाता है तो आप देखते हैं कि बिल्डिंग्स का कुछ नक्शा चेंज हो जाएगा? आप एक गाड़ी में आए, उतर गए, खुद ही चली गई और कहीं पार्क हो गई, तो एक्सेसिबिलिटी और आपने जब चाहिए आपने फ़ोन किया फिर आ गई, तो उससे भी कुछ अर्बन डायनामिक्स, ट्रैफिक इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज़ में, बाकी चीज़ों में कोई फ़र्क पड़ेगा आपके व्यू में? डेफिनेटली पड़ेगा उससे फ़र्क. और उसमें ये है कि इंटरनल जो आपके आर्किटेक्चर है उसके अंदर भी ज़ाहिर है उसमें होगा. स्मार्ट डिवाइसेस आ गई हैं, बहुत सारी ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और वो डेफिनेटली उससे फ़र्क तो पड़ेगा. कस्टमर हर चीज़ देखना चाहता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी का आप आर्किटेक्चर डोमेन में क्या स्कोप देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड? आर्किटेक्चर में मुझे लगता है वर्चुअल इंटेलिजेंस या उसका तो से ज़्यादा तो शायद क्रिएटिविटी का और उसका वो है, और वो एक ब्लेंड है आफ्टर दैट विद मॉडर्न डिवाइसेस और वो. लेकिन उसको जो बेसिक प्लानिंग है या बेसिक जो आर्किटेक्चर है, दैट इज़ बेसिकली डिपेंड्स हाउ वी ड्राइव ह्यूमन नीड्स एंड योर विशेज. तो उसका शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसलिए ज़्यादा ताल्लुक नहीं हो सकता कि आपका हर जो इंसान है या हर जो है वो इंडिविजुअल है और उसकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स है, एंड दैट वेरी पर्सन टू पर्सन. तो मुझे लगता है कि वो जो आपकी ये मॉडर्न डिवाइसेज हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो उसके बाद बेसिकली कंस्ट्रक्शन में और उन चीज़ों में इम्प्लीमेंट हो सकती है, लेकिन शायद डिज़ाइन में इतना उसका रोल नहीं है. अच्छा, ये बताएं, अभी जैसे सैलाब आया, घर बहुत सारे तबाह हो गए, अब घर भी बनाने हैं और हमें लो कॉस्ट हाउसिंग सोल्यूशन देना है, और हमारा फैमिली साइज़ बड़ा है, आपको पता है पाकिस्तान में और जिन इलाकों में सैलाब ज़्यादा है वहाँ तो फैमिली साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो आप क्या सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं कि उन इलाकों में हमें क्या करना चाहिए और किस तरह के हाउसेज बिल्ट होने चाहिए, और उनकी फैमिली साइज कीपिंग इन व्यू देयर लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड द फैमिली साइज. उसमें लोकल मटेरियल्स यूज करने चाहिए. यास्मीन लारी ने काफ़ी पहले आपसे काम किया है इस बैम्बोज की, उसके अंदर उन्होंने यूज़ किए हैं वो हैं. फिर हमारा मड का है, मड ब्रिक्स यूज़ की जा सकती हैं, बड़े इजीली अवेलेबल हैं हर जगह पर. और ये है कि अभी एश ब्रिक अभी काफ़ी मतलब है, वो यूज़ की जा सकती है, वो जो चीपर सॉल्यूशंस हैं और इजीली अवेलेबल हैं जिन एरियाज में, वहाँ पे तो हमें उनको करना चाहिए. तो यू थिंक लोकल मटेरियल से हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं
और उनकी जो भी लाइफ स्टाइल हैबिट्स हैं उनको भी क्रिएट करने में एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। जो बेसिक हमारा है वो तो यही है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। अच्छा, कमर्शियल टावर्स में आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो कमर्शियल टावर डिज़ाइन करते हुए आज के हालात में, कीपिंग इन व्यू द पाकिस्तानी एनवायरनमेंट एंड द सिटी एनवायरनमेंट और पोल्यूशन फैक्टर, आप क्या एडवाइस करते हैं कि अगर ऑफिस या कमर्शियल टावर बनाना हो तो उसमें क्या की कंसिडरेशंस होनी चाहिए? वेंटिलेशन ठीक होनी चाहिए और एवैक्यूएशन, उसके बाकी कोड्स वोड्स जो हैं वो हमारे पूरे होने चाहिए, दैट वुड बी एनफ। सर्कुलेशंस और वो चीज़ें पूरी, मोस्टली अब क्या होता है कि हम कमर्शियली काम करते हुए उसको इकोनॉमिक उसके अंदर ज़्यादा ले जाते हैं, तो हमारी कंसिडरेशन जो उसकी सर्विसेज की हैं वो शायद थोड़ी सेक्रीफाइस हो जाती हैं उसमें। जिसका लीड सर्टिफिकेशन है गोल्ड प्लैटिनम एंड अदर थिंग्स, तो उसे बिल्डिंग मटेरियल डिफरेंट यूज़ करें और उनको मोर एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाएं, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ऊपर चली जाती है। तो उसका कोई ऐसा सोल्यूशन है हमारे पास कि हम लीड्स की जो रिक्वायरमेंट है उस मटेरियल को यूज़ करने से जो आपको आसानियाँ होती हैं, वो कोई ऐसी लोकल मटेरियल में चीज़ें हैं जिससे हम उसको मैनेज कर सकें? जी डेफिनेटली हैं वो चीज़ें। मैं यही बात पहले भी कर रहा था कि लीड्स की तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, तो उसी में हम अगर लोकल मटेरियल्स यूज़ कर लेंगे तो उसमें कॉस्ट कटिंग हो सकती है, इसलिए वो उसके अंदर भी किया जा सकता है। सवाल है मेरा आपसे कि हमारे कमर्शियल एरियाज बन गए हैं जहाँ पे एमिनिटीज़ नहीं है, रोड्स नहीं है, हर जगह हमने हाई राइज की परमिशन दे दी है, विच इज़ रिजल्टिंग इन ट्रैफिक कंजेशन, विच इज़ रिजल्टिंग इन हेल्थ इश्यूज बिकॉज पॉल्यूशन इज गोइंग, आप गाड़ियाँ ज़्यादा, रिक्शे ज़्यादा, लोगों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पे एक दिन में 5,000 लोगों ने आना जाना था, अभी 50,000 आ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ वर्टिकल टावर्स एंड थिंग्स, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर उसके इर्द गिर्द उसका नहीं बिल्ड किया गया। तो अभी हम रेट्रोफिट कर सकते हैं, कुछ कोई हल हम निकाल सकते हैं? आपका क्या इस पर ओपिनियन है कि अगर हमें ट्रैफिक इम्पैक्ट असेसमेंट को ठीक करना हो या एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को ठीक करना हो, तो जो हम डैमेज कर चुके हैं ऑलरेडी, उसका हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है कि हम इसको रेट्रोस्पेक्टिवली रेट्रोफिटिंग में जाके ठीक कर लें? पार्किंग स्पेसेस हमें डिज़ाइन करनी चाहिए विद इन दिस एरियाज, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उस पर एम्फोसाइज करना चाहिए कि वो इतनी अच्छी स्टैंडर्ड की हो कि लोग उसको अडॉप्ट करें वेयर एवर वी आर गोइंग, तो उससे काफ़ी सारा मेरा ख्याल है ट्रैफिक का लोड भी नेचुरली कम हो जाएगा। और वो ये किया जा सकता है, अगर किसी ने बाहर से आना है तो वो आके पार्किंग प्लाजा में अपनी गाड़ी पार्क करे और ऑनवर्ड्स जो कंजेशन एरियाज़ हैं, जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, उसमें वो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएँ, दैट वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब। आखिर में आपको एडवाइस जो प्लानर्स को देना चाहें कि प्लानिंग करते हुए या किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हुए किस चीज़ का वो ख़ास ख्याल रखें, या कोई एडवाइस जो आप रेगुलेटरी बॉडीज़ को देना चाहें कि जहाँ पर वो मिसिंग लिंक्स हैं जिनको आप चाहें कि उन गैप्स को कवर कर लें? प्रोफेशनलिज्म पे मेरा ख्याल है फाइट करनी चाहिए सबको, रादर देन गोइंग फॉर इकोनॉमिक्स और क्लाइंट ड्रिवन चीज़ें हमें ज़्यादा करनी पड़ती हैं, तो रादर देन दैट वी शुड फोकस ऑन प्रोफेशनलिज्म, दैट वुड सॉल्व प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो बेसिकली द जिस्ट ऑफ द होल टॉपिक इज के वी रियली नीड टू रिविजिट आवर थाट्स गोइंग फॉरवर्ड, कि हमने अगर किसी सड़क को कमर्शलाइज करने, हाई राइज अलाउ करने हैं, तो किस तरह की प्रोविजनिंग हमें करनी चाहिए और क्या वो प्रोविजनिंग की जा सकती है, क्या ज़मीन अवेलेबल है टू क्रिएट सेपरेट पार्किंग प्लाजाज, और अगर नहीं है तो हम और क्या हल निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर थाट्स, वी विल स्टे इन टच विद यू सून। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।